Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start with a new topic, that is taxonomy and systematics. Taxonomy systematics hote kya hai, ye biology mein related kyun hai? First of all, to these are very important terms related to biology. The term taxonomy was given by Candolle. You have to learn this, remember this. Taxonomy term was given by Candolle. This is very, very important. Sometimes bahut baar ye question repeat ho jata hai in the medical entrance exams. So you have to learn it. Okay, so taxonomy term to di thi Candolle ne. Hota kya hai taxonomy? It is a branch of science which deals with identification, classification and nomenclature of organism. Because same as you study in the chemistry, first of all we identify something, then we classify that, and then we name that any element. That in the case of chemistry mein elements hote hain, they are metals, non-metals. तो इनको हम क्लासिफाई, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको, हम उसके बाद हम उसको प्लेस करते हैं. इज इट अ मेटल, इज इट अ नॉन मेटल. जैसे केमिस्ट्री में होती है प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज. बायोलॉजी में आइडेंटिफिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी. उसके बाद क्लासिफाई करने के बाद हम उसको नॉमेनक्लेचर करते हैं. आप इस चीजों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो अभी, बिकॉज दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. कि बायोलॉजी है, लिविंग वर्ल्ड है, हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, और लिविंग वर्ल्ड में ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कि आप कैसे किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हो, कहां किस कैटेगरी में क्लासीफाई करना है. बेसिकली टूडे यू आर गोइंग टू नो अबाउट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ठीक है, तो टैक्सोनॉमी तो एक ब्रांच है जो क्या कहाँ डील करती है. सपोज करो मुझे एप्पल मिला, मैंने एप्पल को आइडेंटिफाई किया, उसको उसके बाद मैंने उसको क्लासिफाई किया, उसके बाद मैंने उसका नाम रख दिया. ठीक है, सेम अगर ये तो बहुत सारे डिस्कवर्ड हैं, डिस्कवर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. अगर कोई न्यू स्पीशीज को डिस्कवर कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही और शी विल आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे मैच हो रहे हैं, किस से मैच हो रहे हैं. ठीक है, इंसेक्ट से मैच हो रहे हैं, बर्ड से मैच हो रहे हैं, मैमल से मैच हो रहे हैं, या किसी और ऑर्गेनिज्म से मैच हो रहे हैं. उसके बाद उसी अकॉर्डिंग हम उस चीज को प्लांट या एनिमल या या बैक्टीरिया या वायरस, ये मतलब क्लासेस में क्लासीफाई करेंगे. एंड उसके बाद हम उसको उसका नेम रख देंगे. ओके, दिस इज अ टैक्सोनॉमी टर्म एंड इट वॉज गिवन बाय Candolle. Now systematic क्या है? ठीक है, systematics word was firstly used by Linnaeus. Linnaeus दोबारा से आपको नाम आ गया यहाँ पे. पहले कहाँ पे सुना है इसका नाम? पहले हमने सुना है binomial nomenclature में हमने पहले इसका नाम सुना हुआ है Linnaeus का. तो Linnaeus ने firstly systematic term use की थी. Used कहाँ पे की थी? अपनी book में. Linnaeus भी इंपॉर्टेंट है, सिस्टमैटिक वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, एंड सिस्टमा नेचुरा इज द नेम ऑफ द बुक, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Linnaeus की एक बुक थी सिस्टमा नेचुरा, उसमें उसने क्या किया था, ही यूज्ड दिस टर्म सिस्टमैटिक्स. नाउ व्हाट बेसिकली इज सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स इज अ टैक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी मतलब आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, नॉमेनक्लेचर करना, प्लस द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स. अब देखो कि अगर मैं मंकी की बात कर रही हूँ, मंकी इज अ नॉन डिस्कवर्ड स्पीशीज. ठीक है, मैंने मंकी को देखा तो मैंने उसको आइडेंटिफाई किया कि गोरिल्ला से इसके फीचर्स क्या है मिल रहे. देन मैं उसको क्लासीफाई करके मैमल्स के अंदर रख दूंगी, क्योंकि मैमल्स जो होते हैं दे आर द ऑर्गेनिजम्स with hairy body and outer pinna and mammary glands. ठीक है, फिर उसका मैंने नाम रख दिया, nomenclature कर दिया उसका. अब
मंकी का, मैं गोरिल्ला, गोरिल्ला वाली में मैंने क्यों इसको कैटेगरी में रखा, तो मैं इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ूंगी कि हाँ गोरिल्ला पहले आया, उसके बाद मंकी आया, उसके बाद होमोसेपियंस आया, ठीक है। दिस इज द ब्रांच नोन एज सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की बात नहीं की गई थी, ओनली आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर की बात थी। सिस्टमैटिक्स में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशन में किस ऑर्गेनिज्म का किस ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है, इसकी भी बात की जाती है। ओके, नाउ वी हैव द टर्म्स टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर द कैटेगरीज इन विच द ऑर्गेनिज्म इज प्लेस्ड, ठीक है। ओके, लिनियस गेव द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, दैट इज जीनस, क्लास, ऑर्डर, स्पीशीज एंड वैरायटी। आफ्टर दैट some new categories were added, these were kingdom, phylum and family. Which were the categories that were given by Linnaeus? They were class, genus, order, species and variety. What are the categories jinko Linnaeus ne nahi diya tha, jo baad mein discover hui thi? They are kingdom, phylum and family. अगर मैं ये चीज पे इतना ज्यादा फोकस कर रही हूँ, दिस मीन्स दैट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एमसीक्यूज में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे नहीं आंसर कर पाते बिकॉज ध्यान ही नहीं देते हैं। ओके, सो फोकस ऑन दीज थिंग्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज टैक्सॉन? ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज नोन एज टैक्सॉन, ठीक है। टैक्सॉन की अगर मैंने बात की है तो टेक्सॉन की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे आ रही है, डेफिनेशन भी आ रही है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेक्सॉन क्या है, डेफिनेशन बताओ उसकी। टेक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की का टेक्सॉन यूनिट होता है, यूनिट। ओके, वो कैसे? Now you will make it clear with the help of example. So let us do. The scientific zoological, scientific name or the zoological name of dog is Canis lupus. Okay? Do you get it? The dog ka taxonomic name hai, basically the scientific name, that is Canis lupus. Dog belong to the order Carnivora, ठीक है। पीछे याद करो, order भी था, order is a taxonomic category. Dog belongs to the order Carnivora, thus Carnivora is a taxon at order level. अब समझ आ गई बात? Carnivora is a taxon at order level. Dogs belong to family Canidae, thus Canidae is a taxon at family level. In this way, taxons are unit of taxonomic hierarchy. ठीक है? अब taxonomic hierarchy क्या होता है? इसके बारे में पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिक हायरार्की, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एंड डेफिनेशन। सबसे पहले चलो अब इसकी डेफिनेशन ही पढ़ते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की? टेक्सोनॉमिक हायरार्की इज अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे ये देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। इसमें से दो एब्सेंट है, दैट इज डिविजन एंड वैरायटी, ठीक है।
पीछे जो आपको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी करवाई थी उसमें से दो एब्सेंट है, डिवीजन एंड वैरायटी, वो कहाँ पे प्लेस करना है वो मैं आपको बता दूंगी। टेक्सोनॉमिक हायरार्की, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये है हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको ऐसे प्लेस किया, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। और इसको याद कैसे रखोगे? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एंड दैट ट्रिक इज कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। दिस इज द ट्रिक जिसकी हेल्प से आप याद कर सकते हो किंगडम से लेके स्पीशीज तक का डिसेंडिंग ऑर्डर। कंफ्यूज नहीं होना है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। सबसे बड़ा टेक्सॉन कौन सा है हमारा? किंगडम। एंड सबसे छोटा टेक्सॉन कौन सा है हमारा? स्पीशीज। इसको याद कैसे रखना है? कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। आई होप दिस इज वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू। आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। सो अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट पार्ट।